देखो देखो कौन है। दर्जन इस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में पहुंच चुका है। ये 50,000 पुशअप मारते हुए भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे। और जैसे ही अयोध्या में पहुंचे मित्रों, ये हरियाणा से अयोध्या वासियों ने फूल बरसा कर इनका स्वागत किया है। ये कभी जो है बिच्छू की चाल चलते हैं तो कभी ये जो है सपाटे मारने लगते हैं। और इनका संकल्प है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में ये सपाटे मारते हुए पहुंचेंगे। 50,000 सपाटे, 50,000 दंड बैठक मारेंगे, 50,000 सपाटे का लक्ष्य है। लेकिन हम उसको सोच रहे हैं 51 कर देते हैं। यहाँ पर तमाम अयोध्या के लोग इनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। कोई फूल बरसा रहा है तो कोई इनको माला पहना रहा है। और हरियाणा के इस लाल को यहाँ का स्वागत देखकर शायद से ये आश्चर्य हुआ होगा कि अयोध्या में इतना प्यार और दुलार हो रहा है। तर्जन आ गया, तर्जन देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। तुर्क बाहर ये देखो जी, चीते जैसी फुर्ती फौलाद जैसा बदन। ये देखो इस तरीके से जो है, देखो भारत माता की, देखो कौन है, देखो कौन है। तर्जन भाई स्वागत है, अयोध्या धाम में स्वागत है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, राष्ट्र माता घोषित करो। देखो कौन है। तर्जन इस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में पहुंच चुका है। ये 50,000 पुशअप मारते हुए भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे। और जैसे ही अयोध्या में पहुंचे मित्रों, ये हरियाणा से अयोध्या वासियों ने फूल बरसा कर इनका स्वागत किया है। ये कभी जो है बिच्छू की चाल चलते हैं तो कभी ये जो है सपाटे मारने लगते हैं। और इनका संकल्प है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में ये सपाटे मारते हुए पहुंचेंगे। ऐसे ही जाएंगे? बिल्कुल। कितने सपाटे मारेंगे? ये अलवर से लेकर के अयोध्या तक। और ये अभी ऑफिशियल जो है कुचेरा का टोल प्लाजा है रवि भाई, यहाँ से जो है सुशील मिश्रा जी जो कि संयोजक हैं इस यात्रा के जी, उनके यहाँ से स्टार्ट हुई है जी। इसके बाद ये यात्रा पहुंचेगी लता मंगेशकर चौक। जैसे ही प्रभु राम की पावन नगरी में दर्शन दाखिल होंगे, सपाटे मारते हुए दर्शन करने जाएंगे। और दुनिया के ऐसे किसी बड़े मंच पे नहीं है कि जो इनको जानता ना हो, जहाँ गए ना हो। इतना हजार सपाटा मार कर ये राम मंदिर का दर्शन करेंगे, 50,000 सपाटे, 50,000 दंड बैठक मारेंगे, 50,000 सपाटे का लक्ष्य है। लेकिन हम उसको सोच रहे हैं 51 कर देते हैं, बाकी जो है प्रभु राम और गौ माता की इच्छा है। थकेंगे नहीं। जैसे भंडारे में लिखा जाता है ना कि शुरू होने का समय 7 बजे और समाप्त होने का समय लिखा जाता है प्रभु इच्छा तक। तो उसी तरीके से देसी टार्जन के शुरू होने का जो लक्ष्य है 51,000 है, और बाकी जो है गौ माता और प्रभु इच्छा तक है। यहाँ पर तमाम अयोध्या के लोग इनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। कोई फूल बरसा रहा है तो कोई इनको माला पहना रहा है। और हरियाणा के इस लाल को यहाँ का स्वागत देखकर शायद से ये आश्चर्य हुआ होगा कि अयोध्या में इतना प्यार और दुलार हो रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई ये क्या भोजन किए सुबह? और दूध और गाय का मूत्र पिया, सिर्फ गौमूत्र में इतनी ताकत है। गौमूत्र पीने के बाद ये सीधा स्टार्ट अपना शुरू कर दिए थे जी। फिर निकलते समय हमने कहा थोड़ा सा दूध ले लीजिए, तो दूध लिए, बोले अब कुछ नहीं लूंगा। जो है पत्रकार है टाइम्स नाउ अयोध्या के प्रशांत तिवारी, और इन्होंने इनकी कवरेज जो है करनाल में भी कर चुके हैं। पहले 2 महीने पहले हम दोनों ने साथ में वीडियो बनाया था। हमने जो एक संकल्प लिया था कि देसी टार्जन को प्रभु राम की पावन नगरी अयोध्या में लेकर चलेंगे। अयोध्या आजकल जो है विश्व पर्यटन का हब बन चुका है, सुपर पावर बन चुका है। ऐसे में देसी टार्जन का अयोध्या आगमन आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उनको घर मिल रहा है, और हम लोगों का जो सपना है वो भी पूरा हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देसी टार्जन ने अपनी ताकत के साथ आज अयोध्या की पावन धरा पे भी करा दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जी, आप ये देख सकते हो दोस्तों। और इनकी जो शरीर की संरचना है जो इन्होंने अपनी मेहनत से अर्जित करी है, राइट, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है। और लगता ही है कि किस प्रकार से जो है देसी टार्जन जो है अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, और गौ माता की जो लोग सेवा करते हैं वो चीजें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि पाउडर डिब्बा खाने वाले, सप्लीमेंट खाने वाले, जिम जाने वाले युवा इनकी जैसे बॉडी बना भी पाएंगे? संभव ही नहीं है, क्योंकि वो पाउडर वाली जो होती है और
कर्मू भाई भी कहते थे पाउडर वाला जो दूध पीते हैं लोग, तो पाउडर वाला दूध का अलग होता है और ये जो है ये गौ माता की ताकत से और अपने जो मेहनत से बनाया गया वो शरीर है, तो ये इसका अलग ही तरीका जो है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा प्रशांत भाई कि आप इनके इतने करीब रह चुके हो, 3-4 बार कवरेज आप कर चुके हो, इनकी ये जो अथाह ऊर्जा है, जो ताकत है, उसका राज क्या है? इतनी ऊर्जा लाते कहाँ से है ये? इतनी ऊर्जा इनके अंदर जो है कि इनके अंदर तो पहले जो संकल्प है इनका, आत्मबल है, ये चीजें हैं और संयमित हैं और सनातन को मानने वाले हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं और शाकाहार जो सबसे बड़ी ताकत है इनकी, शाकाहार मतलब अखंड ब्रह्मचर्य की ताकत है और पूरे पूरे विश्व के पहलवानों को जो है चैलेंज दिया, रोमन रेंस हो, खली हो, सबको चैलेंज दिया इन्होंने जी। सबको लगता है कि कभी कोई आके इनका एक चैलेंज एक्सेप्ट कर पाएगा? कोई नहीं चैलेंज इनका सब कर सकता है, किसी में दम नहीं है कि जो है देसी टार्जन को जो है चैलेंज दे पाए। और देसी टार्जन मुझे लगता है कि दुनिया का जो है वो आठवां अजूबा तो है ही है, लेकिन दुनिया का अनोखा प्राणी है और अनोखा मनुष्य। और इन्होंने जो है गौ माता की महिमा, सनातन धर्म की महिमा और हमारे शुद्ध शाकाहार, जो लोग बोलते हैं मांसाहार में ज्यादा ताकत है, उनके मुंह में करारा तमाचा मारा है पाश्चात्य संस्कृति की उस पे। जी मारा है, जरूर मारा है। और अब जो है जिस प्रकार से लोग सवाल उठाते हैं गौमूत्र पे और गौ माता के कई चीजें हैं गौ से जुड़ी हुई चीजों पर, आज लोग गौ का पालन नहीं कर रहे हैं और गौ भक्त हैं देसी टार्जन, और गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा मिले उसके लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है उनका पूरा हो जी। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, एक पांव पे जो है ये कठिन साधना चल रही है, एक पांव पे कठिन साधना जो है चल रही है और लगातार स्टंटबाजी, हवा में गोते लगाते हुए प्रशांत भाई जब ये बढ़ते हैं ना तो लोगों की नजरें थम सी जाती है, रुक सी जाती है। जी थम सी जाती है, रुक सी जाती है, लोग खड़े होकर के देखने लगते हैं और लोगों को लगता है कि यार ये है क्या कि देसी कौन सी 7 डिग्री जो है इनके शरीर से ब्रह्मचर्य की आग निकली। ये देखिए एक पांव पे सपाटा जो है मार रहे हैं, एक पांव से लगातार सपाटे चल रहे हैं देसी टार्जन के।